अब हर किस्म के जोड़ों के दर्द से मिले छुटकारा। कोई भी दर्द हो, जोड़ों, घुटनों, कमर, हड्डियों या मसल्स का, मोरफास्ट दर्द कम करे फास्ट। मोरफास्ट असरदार तेल कैप्सूल्स और पाउडर में दस्तयाब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकलते हैं आज की एक अहम खबर पर। बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर है। सबसे पहली खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि डबीरपुरी के पास है। डबीरपुरी में रहने वाली एक माइनर लड़की को एबिट्स में एक लॉज में ले जाकर मुसलसिल दो दिन तक उसका रेप किया गया, इस तरह से कहना है। अब इसमें कई सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि लड़की माइनर थी, लड़की की उम्र 17 साल है, लेकिन दिखने में लड़की 17 साल की नहीं लग रही है, क्योंकि लड़की अच्छी सेहतमंद है, जिसकी वजह से शायद ये लोग लड़की की उम्र पहचानने में कुछ गलती कर चुके होंगे। अब सवाल ये उठता है कि लॉज में ले जाकर रेप करने का मतलब क्या निकलता है। अब इसको किडनैप करके उसके हाथ पैर को बांध के लॉज में तो नहीं ले गए होंगे, क्योंकि लॉज में जो है सब देखने के बाद ही रूम देते हैं। अब बहरहाल लॉज वाले भी देख चुके होंगे कि लड़की अपनी मर्जी से आ चुकी है। खैर, अब बिना आधार कार्ड के भी रूम नहीं देते हैं, क्या लॉज वाले ये लड़की का आधार कार्ड चेक नहीं किए होंगे, जिसमें उसकी एज भी लिखी होती है। लेकिन हम आपको बताते चले कि आधार कार्ड पे जो एज रहती है वो कोई मायने नहीं रखती है, मतलब ये कि वो कोई एज प्रूफ नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब लड़की लॉज में गई, फिर उसके बाद जो है 3 लड़के उसके साथ लगातार 2 दिन तक बलात्कार करते रहे। अब वहीं पर लड़की के घर वालों का ये कहना है कि लड़की जो है कुछ सामान लाने के लिए घर से बाहर निकली थी, घर से बाहर निकलकर एक कार के पास खड़ी थी, वहाँ पर किसी से बात करते हुए खड़ी थी, लेकिन लड़की कार में बैठी या नहीं बैठी उसके घर वालों को नहीं पता। लेकिन जब लड़की घर से चली गई उसके बाद 1 घंटा 2 घंटे लगातार 5 घंटे तक लड़की का इंतज़ार करते रहे, लड़की वापस नहीं आई। फिर उसके बाद लड़की के घर वालों ने जाकर पीएस में कंप्लेंट दर्ज करवाई। फिर पुलिस वाले जो है जाकर लॉज में चेक करते हैं, लड़की जो है नशे की हालत में लॉज में पाई जाती है। पुलिस वालों ने जो है लॉज का रूम तोड़कर लड़की को बाहर निकाला, फिर उसके बाद जो है एक रेप केस दर्ज किया है। अब ये लॉज में इजी रूम्स मिलने का क्या मतलब निकलता है, यानी हुकूमत ने खुलेआम छूट दे दी है, जो कहीं अपनी मर्जी से लड़का हो या लड़की हो लॉज में जाकर रह सकते हैं, क्योंकि किसी के साथ गलत काम ना हो, शायद यही सोचकर हुकूमत ने इस तरह का परमिशन दिया होगा। लेकिन अब सवाल ये उठ जाता है कि भाई लॉज में तो जा रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, लेकिन लड़की की एज को कैसा पता लगाना चाहिए। लड़के यहाँ पर आकर बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब जब आप बुरा काम करेंगे तो उसका अंजाम बुरा ही रहेगा, क्योंकि अब 3 लड़के भी जेल जाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने जो है एक माइनर लड़की के साथ गलत हरकत की है। अब लड़की की मर्जी थी या लड़की की मर्जी नहीं थी इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते, लेकिन पुलिस जो है मजीद तहकीकात कर पूरी सही रिपोर्ट आवाम के सामने पेश करेगी, हम ये उम्मीद रखते हैं। और वैसे पुलिस जो है ये काम बाखूबी अच्छा भी करती है। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं एबिट से।
मेंटल में तो कुछ भी नहीं हुआ, वो लोग नॉर्मली चेक इन के लिए आया, वो के नॉर्म्स के हिसाब से आया, चेक इन करा, एक दिन गए के चले गए, हम लोग आई डी वगैरह सौंप लिए। हमारा होटल में तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी इंसिडेंट भी नहीं हुआ, जैसा आए नॉर्मली वैसे ही चले गए। वो लोग दो लोग आया था, एक लोग रात में आया तो हम भिजा दिए थे बैग, विजिटर अलाउड नहीं है बोल के, फिर उसके बाद उन्हें कैसा आया नहीं मालूम, फिर सुबह में उसको भिजा दिए थे, कल दोपहर में फिर भिजा दिए उसको, लाइक बाइक पे लेके गया लंकी। होटल में तो कुछ भी नहीं, हम लोग नॉर्मली गए। डेट उसका, डेट उन लोग परसों आया था, कल चेकआउट करा। मेजर है माइनर है? मेजर है, माइनर है, मेजर है। नन्ना 20 रुपये दो मम्मा, बोल तो मम्मी की अम्मी बोले मेरे पास नहीं है बेटे पैसे, बोलता नन्ना कहाँ से ले लो, बोलते 20 रुपये दी मैं दे के, फिर माँ क्या बोले मैं तुझे दवाइयाँ ला लो माँ, बोल के माँ 500 दिए। अच्छी बात है, मैं अब भी आके दवा की चिट्ठी लेती हूँ, यहाँ से फेंको खिड़की में से, आप बोल के बच्ची गई, गए बात से बच्ची प्यारी सीधा फतेह खान बाजार की तरफ गई बच्ची, तो इसके पीछे बच्चे को भेजे किधर जा रही देखो दीदी, बोलते उन्हें बच्चा आके बोला मम्मा माँ कार ठहरी हुई है, कार के बाजू असमा दीदी ठहरे हुए है, वो बैठे नहीं बैठे क्या करे वो नहीं देखा, मैं आ गया फिर जाके देखते क्या है, हाइट नहीं। अब सारी अड़ गई बच्ची आती ना, अभी आधे घंटे में, दो घंटे में, पौन घंटे में, कैसा भी आती बच्ची जाके दुकानों को, गए से आधे घंटे में आती, गए से एक घंटे में आती, पलट के बच्ची वो जाती कहीं भी नहीं थी बच्ची। अब उस दिन क्या हुआ, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, सुबह हो गई पता नहीं है, हम बोल रहे कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, परेशान हो जा रहे हैं हम, क्या हम क्या करेंगे अब। अब बोले हम जाके, अब क्या हुआ मान आए रहे नहीं, अभी हम परेशान फिर रहे, उधर देखे तेरे से कहीं नहीं दिखी बच्ची, तो हम जाके बोले हम जिसल्ला खान साहब पंच गए, हम जाके बोले हमारी बच्ची नहीं है ऐसा, ये टाइम गई फलाने टाइम, अभी तक नहीं ऐसा, बोलते उन्हें सीधा बोले जाके पीएस में कंप्लेंट लिखाओ। हम पीएस को आए, पीएस को आके कंप्लेंट लिखा पीएस में, यस ऐसा बोलते पूरी कैफियत बच्ची की, अच्छी बातें बोल के लगा जाओ बोल के भिजा दी हमारे, हम करते इंक्वायरी बोल के बोलती। अब हम घर को गए, घर को जाके दूसरा दिन आ गया, 24 घंटे हो गए नहीं आई बच्ची अभी, मतलब कि हम वहाँ क्या करें, देखे देखे तक नहीं है, तो एक कॉल आया, कॉल आके बोला आपकी बच्ची यहाँ है हम ला रहे हैं, बोलते अच्छी बात है लाई है, बोलते हम सीधा पहले पीएस में भाग गया, हम सीधा खान साहब कर गए, तो उन्होंने बोले पहले पीएस को जाओ जाके इतला करो, तुम लोग जाके ला ला के हमको यहीं मिली बच्ची, 8 बजे आई बच्ची, तो 12 तारीख के दिन 7:45 को गई बच्ची, कल हमारे को 8 बजे मिली बच्ची। तो इस कदर बच्ची को वो करे, इंजेक्शन दिए पहले, इंजेक्शन दे के 4 गोलियां पानी में घोल के पिलाए, फिर उसके बाद में शराब पिलाए गए थे बच्ची को, पिला के वो बच्ची अपने में नहीं है, और इस कदर बच्ची के संगत देकर बच्चे को कैसा पहचानते बच्ची? बच्चे को हम नहीं पहचानते सर, बच्ची पहचानती, बच्ची पहचान के तो बच्चे को दी, वो बच्चे को हम पहचानते ना। मोर फास्ट, दर्द कम करे फास्ट। अब हर किस्म के जोड़ों के दर्द से मिले छुटकारा। कोई भी दर्द हो, चाहे जोड़ों, घुटनों, कमर, हड्डियों या मसल्स के लिए असरदार तेल कैप्सूल्स और पाउडर में दस्तियाब है। अवेलेबल एट ऑल मेडिकल एंड हर्बल स्टोर। कस्टमर केयर 7207-43005।